नमस्कार, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर डीएन उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, मानविकी विद्या शाखा। आज टेलीविज़न के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। टेलीविज़न जो है हमारे पाठ्यक्रम फिल्म एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया MA JMC के प्रश्न पत्र कोड 113 के तहत जो है इसे लिया गया है। आज हम टेलीविज़न के बारे में चर्चा करेंगे। टेलीविज़न जो है कब आया और किस तरह से जो है विकास किया, और ये इसका जो है सामाजिक सरोकार कैसे है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। आइए देखते हैं टेलीविज़न की विकास यात्रा। टेलीविज़न या दूरदर्शन, टेलीविज़न अथवा दूरदर्शन जनसंचार का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। यह श्रव्य दृश्य माध्यम है। श्रव्य दृश्य माध्यम का अर्थ है, श्रव्य मीन्स होता है सुना जा सके, और दृश्य का अर्थ है देखना। इसलिए जो है टेलीविज़न को श्रव्य दृश्य माध्यम कहते हैं, क्योंकि इसमें देखा और सुना जा सकता है दोनों। श्रव्य और दृश्य माध्यम जो है ये अत्यंत प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें हमारी दो ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल होता है, एक श्रोणेन्द्रीय और दूसरे दृश्यन्द्रिय। इस श्रव्य दृश्य माध्यम की कोई भौगोलिक सीमा न होने के कारण इसे सार्वभौमिक माध्यम, ग्लोबल मीडिया भी कहा जाता है। यह दर्शकों को निष्क्रिय और अकर्मण्य बना देता है तथा उसके सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है, क्योंकि टेलीविज़न देखते समय दर्शक को सोचने के लिए अवकाश या समय ही नहीं मिलता। इसलिए इसे बुद्धू बॉक्स या एडियट बॉक्स भी कहा जाता है। टेलीविज़न की पहुंच जो है आपके बेडरूम तक है, और ये आपको जो है अपने से बात कर रखती है, जबकि अखबार की पहुंच आपके ड्राइंग रूम तक ही होती है। टेलीविज़न का आविष्कार एवं विकास। टेलीविज़न शब्द, टेलीविज़न शब्द में दो भाषाओं का समन्वय है, अर्थात टेलीविज़न जो शब्द है वो दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। इसमें टेली शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है टेली शब्द, जिसका हिंदी में अर्थ है दूर, एवं विज़न जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है देखना, अर्थात टेलीविज़न का हिंदी में अर्थ हुआ दूर से देखना अथवा दूर दर्शन, मतलब दो जो दूर स्थित वस्तुओं का दर्शन कराए, दिखाए, उसे दूर दर्शन कहा जाता है। दूरदर्शन के विकास यात्रा में आइए हम जानते हैं। सन 1884 जर्मन वैज्ञानिक निपन ने वायरलेस द्वारा चित्र प्रेषित करने का उपक्रम विकसित किया। इसके बाद अमेरिका और फ्रांस में टेलीविज़न बनाने की दिशा में कई प्रयोग हुए। 1915 में रशियन वैज्ञानिक व्लादिमीर ज्योरकिन ने आइनोस्कोप का प्रदर्शन किया, जो वस्तुतः टेलीविज़न कैमरा ट्यूब का आदि रूप था। टेलीविज़न का आविष्कार स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जॉन लोगी बेयर्ड JL Baird ने सन 1926 ईस्वी में किया था। अमेरिका के जेकिंस नीस ने यांत्रिक टेलीविज़न उपकरण का प्रदर्शन किया। तत्पश्चात 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरी ने न्यूयॉर्क एवं वाशिंगटन के मध्य प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम तार द्वारा प्रेषित किया। टेलीविज़न कार्यक्रम की श्रृंखला में इसे पहली कड़ी माना जाता है। सन 1936 ईस्वी में टेलीविज़न का विश्व में सर्वप्रथम निर्मित कार्यक्रमों का प्रसारण ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC ने आरंभ किया, और इसी प्रकार 1938 ईस्वी में फ्रांस में टेलीविज़न का प्रसारण हुआ। तत्पश्चात 1939 ईस्वी में न्यूयॉर्क में लगे विश्व मेला में जनता ने टीवी देखा। 1941 ईस्वी में अमेरिका में टीवी का प्रसारण हुआ। विश्व में सर्वप्रथम रंगीन टेलीविज़न के प्रसारण की शुरुआत 1953 ईस्वी में अमेरिका में हुआ।
यह तो था विश्व में टेलीविज़न के आविष्कार एवं विकास। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में टेलीविज़न की विकास यात्रा के बारे में। भारत में टेलीविज़न का आगमन कब हुआ? भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ सर्वप्रथम 15 सितंबर 1959 ईस्वी को यूनेस्को के परियोजना के तहत परीक्षण के रूप में हुआ। दिल्ली के आकाशवाणी भवन में एक छोटा सा स्टूडियो बनाकर 500 वाट के ट्रांसमीटर से इसका प्रसारण प्रारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। इस समय इसका प्रसारण केवल दिल्ली के आसपास 24 किलोमीटर तक सीमित था। तब इसका नाम टेलीविज़न इंडिया दिया गया था। पहले टेलीविज़न का उपयोग आधे घंटे तक सामाजिक शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रसारित करना था। बाद में इसका समय बढ़ाकर 1 घंटे कर दिया गया। प्रारंभ में दूरदर्शन सप्ताह में सिर्फ एक बार कार्यक्रम प्रस्तुत करता था तथा आगे इसे बढ़ाकर 2-3 बार कर दिया गया। सन 1964 ईस्वी में दूरदर्शन के विस्तार के मद्देनजर एके चंदा कमेटी का गठन किया गया। भारत में दूरदर्शन की नियमित विकास यात्रा 1964 ईस्वी से आरंभ हुआ। 15 अगस्त 1965 से भारत में दूरदर्शन पर नियमित रूप से 1 घंटे का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। चंदा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में टेलीविज़न संचार के लिए उपग्रह के प्रयोग किए जाने की संस्तुति की। सन 1967 ईस्वी में डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयास से अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SSC की स्थापना हुई। 1969 ईस्वी में अमेरिका में नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एवं भारत के इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से अनुबंध हुआ। सन 1967 ईस्वी में 26 जनवरी को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कृषि कार्यक्रम की शुरुआत की। सन 1972 ईस्वी में अक्टूबर के मास में टेलीविज़न का दूसरा प्रसारण केंद्र बम्बई और पुणे में शुरू हुआ। इसी प्रकार 26 जनवरी 1973 ईस्वी को अमृतसर एवं श्रीनगर में दूरदर्शन केंद्र प्रारंभ किए गए। 19 अप्रैल 1975 को सर्वप्रथम आर्यभट्ट नामक उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया। 1975 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इंटेलसैट का माध्यम से संचार व्यवहार में लाया गया। 23 अप्रैल 1975 ईस्वी को जालंधर, 9 अगस्त 1975 ईस्वी को कलकत्ता, 14 अगस्त 1975 ईस्वी को मद्रास एवं नवंबर में लखनऊ में दूरदर्शन केंद्र खोले गए। भारत की ग्रामोन्मुखी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खेड़ा जो कि स्थान है गुजरात का, खेड़ा में व्यवहारिक प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया, जो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट के नाम से विश्वविख्यात हुआ। खेड़ा प्रोजेक्ट के तहत ही जो है साइट जो है अस्तित्व में आया और उसे सभी लोग जो है जानने लगे। साइट की सहायता से IIT कानपुर विज्ञान शिक्षा का होमी भाभा केंद्र द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उस समय प्रसारण क्षमता 7500 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तृत था, जिसमें 115 करोड़ आबादी रहती थी। इसके अंतर्गत 19,000 गांव की लगभग 20 करोड़ आबादी थी। उस समय 5,00,000 टेलीविज़न सेट थे, जिनमें से 1,300 टेलीविज़न सेट सामुदायिक केंद्रों में लगे हुए थे।
1975 ईस्वी में टेलीविज़न इंडिया का हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से हुआ। 1 जनवरी 1976 ईस्वी को टेलीविज़न पर विज्ञापन सेवा की शुरुआत की गई। भारतीय टेलीविज़न को 1 अप्रैल 1976 को ऑल इंडिया रेडियो से पृथक कर दिया गया। अर्थात पहले जो है टेलीविज़न का प्रसारण जब 15 सितंबर 1959 ईस्वी को शुरू हुआ था तो वो दिल्ली स्थित आकाशवाणी स्टेशन केंद्र से आरंभ हुआ था। बाद में जो है दूरदर्शन के लिए अलग स्टूडियो का सेटअप होने के बाद 1 अप्रैल 1976 को ऑल इंडिया रेडियो से इसे अलग कर दिया गया। 1975 ईस्वी में भास्कर नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया गया जो कि 1981 में एनसेट फर्स्ट बहुउद्देशी उपग्रह छोड़ा गया। 1981 में ही भूतल सामयिक प्रयोगात्मक संचार उपग्रह एप्पल को अंतरिक्ष में भेजा गया। 15 अगस्त 1981 को सफलतापूर्वक दूरदर्शन कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया। सन 1982 में भारत के तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री वसंत साठे के कार्यकाल में दूरदर्शन का अभूतपूर्व विकास हुआ। अभूतपूर्व विकास से तात्पर्य है मतलब चौमुखी दिशाओं में जो है दूरदर्शन का विकास हुआ। दूरदर्शन केंद्र खोले गए एवं दूरदर्शन के प्रसारण की गुणवत्ता को सुधारी गई। पहली बार 1982 में ही LPT लो पावर ट्रांसमिशन आरंभ किया गया। 15 अगस्त विकास के इस क्रम में 15 अगस्त 1982 को भारतीय दूरदर्शन ने 3 प्रमुख आयाम शामिल हुए। ये 3 प्रमुख आयाम थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले 15 अगस्त 1982 में हुआ क्या कि रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत हुई। भारत में कलर टेलीविज़न की शुरुआत नहीं हुई थी। विश्व में सबसे पहले कलर टेलीविज़न की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। भारत में जो है 1982 ईस्वी में रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत हुई। 1982 में ही इनसेट ए प्रथम भारतीय उपग्रह इनसेट ए छोड़ा गया। फिर इसी तरह 1982 में राष्ट्रीय प्रसारण कार्यक्रम आरंभ किया गया। 15 अगस्त 1982 को भारत के दूरदर्शन के 41 ट्रांसमीटरों से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लाल किले से दिए गए भाषण को अखिल भारतीय स्तर पर प्रसारित किया गया। 19 नवंबर 1982 को दिल्ली में आयोजित खेलों का दूरदर्शन द्वारा प्रसारण किया गया। 30 अगस्त 1983 को अमेरिका के सैटेलाइट लॉन्चर इनसेट फर्स्ट वी को अंतरिक्ष में भेजा गया जो अक्टूबर 1983 से कार्यरत है। इससे दूरदर्शन का पूरे देश में सीधा प्रसारण संभव हो सका। 7 जुलाई 1984 को देश का पहला दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला धारावाहिक हम लोग आरंभ हुआ जिसके लेखक थे मनोहर श्याम जोशी और निर्देशक पी कुमार वासुदेव। हम लोग धारावाहिक के 163 एपिसोड प्रसारित हुए और वह देश का पहला सबसे लंबा चलने वाला धारावाहिक बना। जैसे ये कई बार पूछा जाता है कि दूरदर्शन पे जो है पहला धारावाहिक कौन सा प्रसारित हुआ था तो वो धारावाहिक का नाम है हम लोग। 1985 ईस्वी में दिल्ली से टेलीकास्ट सेवा के अंतर्गत लोगों की रुचि के अनुसार इस सेवा का विस्तार किया गया। 1989 के लोकसभा चुनाव के दौरान 1989 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उस दौरान जो है देश के विभिन्न भागों से विभिन्न संसदीय क्षेत्रों से समाचारों को
प्रेषित किया जाता था एवं केंद्र में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के दौरान उसका लाइव टेलीकास्ट सजीव प्रसारण किया गया। 1990 तक 18 कार्यक्रम निर्माण केंद्रों के साथ 500 से अधिक ट्रांसमीटर के साथ 76% आबादी तक दूरदर्शन ने अपना पहुंच बना लिया। बॉम्बे, मद्रास एवं कोलकाता में दूसरे चैनल प्रारंभ हो चुके थे। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के सभी ट्रांसमीटर से उपग्रह द्वारा सीमित अवधि के लिए प्रादेशिक सेवा प्रसारित की जाती थी। पश्चिम बंगाल, केरल एवं पंजाब में माइक्रोवेव प्रणाली से प्रादेशिक प्रसारण की शुरुआत हुई। दूरदर्शन की यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव। 26 जनवरी 1993 से दूरदर्शन मेट्रो आवर का प्रसारण आरंभ किया। इसके तहत चारों महानगरों के दूरदर्शन केंद्र स्वयं निर्मित निजी 1 घंटे का कार्यक्रम प्रसारित करते थे। 1 अक्टूबर 1993 में पहली बार क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित उपग्रह चैनलों को 15 अगस्त 1994 में पुनर्गठित किया गया। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक चैनल के लिए एक अलग ट्रांसमीटर उपलब्ध है तथा कार्यक्रमों को राज्य की राजधानियों से अपलिंक किया गया। यह पृथक चैनल इस प्रकार है: DD4 मलयालम, DD5 तमिल, DD7 बांग्ला, DD8 तेलुगु, DD9 कन्नड़, DD10 मराठी, DD11 गुजराती, DD12 पंजाबी और कश्मीरी, DD13 असमिया तथा पूर्वोत्तर राज्य। 14 मार्च 1995 को अंतर्राष्ट्रीय चैनल DD इंडिया की शुरुआत की गई। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन, मतलब भारतीय प्रसारण निगम का गठन किया गया। प्रसार भारती आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को नियंत्रित करती है एवं उनके लिए मार्गदर्शिका तैयार करती है। 18 मार्च 1999 को स्पोर्ट्स चैनल DD स्पोर्ट के नाम से शुरुआत की गई। इसी क्रम में 26 जनवरी 2002 को सांस्कृतिक चैनल की शुरुआत हुई। इसी प्रकार 3 नवंबर 2002 को 24 घंटे के समाचार चैनल DD न्यूज की शुरुआत हुई। 16 दिसंबर 2004 को निःशुल्क DTH सेवा की शुरुआत की गई। DTH डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत जो है 16 दिसंबर 2004 को की गई और आज हम देखते हैं कि गांव में DD डायरेक्ट प्लस की जो है पहुंच अत्यधिक है। इस पे सारे फ्री चैनल प्रसारित किए जाते हैं जो हमारे दर्शकों का मनोरंजन कराते रहते हैं। टेलीविज़न की विकास यात्रा में आज इतना ही। इसके बारे में जानेंगे अगले क्रम में हम लेके हाजिर होंगे कि भारत में किस तरह से जो है केबल टेलीविज़न का विकास हुआ और तत्पश्चात जो है निजी चैनलों की शुरुआत कैसे हुई। उसके बाद फिर इसी कड़ी में हम आगे जानेंगे कि टेलीविज़न के कार्यक्रम का निर्माण कैसे होता है और किस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और किसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।